सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन योगी युद्ध ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने हवन पूजा कर मनाया। आपको बता दें, इस दौरान योगी युद्ध ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर उनके दीर्घायु की कामना भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन सोमवार को शहर में जगह जगह पूजन व हवन कर योगी की दीर्घायु की कामना की गई। इस मौके पर लोगों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इसी क्रम में योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ एवं महानगर महासचिव युवा मोर्चा अजय वर्मा के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों ने शमशाबाद रोड राजपुर चुंगी स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पर योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु के लिए हवन पूजन किया। महामृत्युंजय मंत्र एवं गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां दी गईं। प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर पर तिलक कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हवन पूजन के समापन के बाद पदाधिकारियों ने राहगीरों को मिष्ठान वितरण किया। वहीं इस मौके पर मंदिर प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। वहीं संगठन पदाधिकारियों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का भी संकल्प लिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मोत्सव है, इसके उपलक्ष्य में आज रुद्रेश्वर महादेव राजपुर चुंगी यहाँ पर हमने हवन पूजन कर महामृत्युंजय मंत्र के साथ आहुतियाँ दी हैं और मिष्ठान वितरण किया है। आज ऐसे शख्स का जन्मदिन है जो भारत के लिए विशेष नहीं, पूरे विश्व के लिए विशेष है, क्योंकि योगी जी जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए हैं तब से यहाँ पर भूमाफिया, दंगा करने वाले, पत्थर फेंकने वाले, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर, लव जिहाद वाले, लैंड जिहाद वाले सब विलुप्त हो गए। प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर का कहना था कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यूपी में कोई दंगा, कोई कर्फ्यू नहीं हुआ। लव जिहाद और गौ हत्या करने वालों पर नकेल कसी गई है। सनातन धर्म संस्कृति का संरक्षण हुआ है। हिंदुओं को सुरक्षा और सम्मान मिला है। आज पूरे देश को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है, इसलिए योगी को शीघ्र प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, तभी हिंदू राष्ट्र का संकल्प साकार होगा। वहीं योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यक्रम के पोस्टर में भारत के नक्शे को भगवा कर उसमें योगी की तस्वीर अंकित की गई थी, जिसमें लिखा था हिंदू राष्ट्र। साथ ही पोस्टर पर भावी प्रधानमंत्री भी लिखा था, जो कि चर्चा का केंद्र बना रहा। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।